क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 7 लोकसभा सीट में कुछ सीटें कांग्रेस के लिए कुर्बान करने वाले हैं? जी हाँ, सही सुना आपने, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन इसको लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है एक ऐसे शख्स ने जो कि इंडिया गठबंधन के अंदर एक सीनियर लीडर है। नाम है शरद पवार। शरद पवार अपनी ही पार्टी में टूट की कगार को देख रहे हैं, लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया उन्होंने कि उनकी बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, और उस वक्त उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में 3 जो 7 लोकसभा सीट टोटल होते हैं उनमें से कुछ सीटें कांग्रेस को देने के लिए वो तैयार हो गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने के लिए बनाया गया है, और इस बीच में साम दाम दंड भेद सब लगाए जा रहे हैं, और शायद इसी वजह से केजरीवाल ये बलिदान करने वाले हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। एक मीडिया कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे शरद पवार ने कहा, मेरी एक बार दिल्ली की सीटों को लेकर अरविंद केजरीवाल से बात हुई थी। आज की तारीख में कांग्रेस के पास दिल्ली में 0 सीटें हैं। केजरीवाल ने मुझसे कांग्रेस से चर्चा करने का आग्रह किया कि क्या वे 7 सीटों में से 3 पर मानने को राजी हैं। वर्तमान में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से उतरने का प्लान बना रही है। गठबंधन के अंदर कई मुद्दों पर बात बन चुकी है, लेकिन सीट शेयरिंग का मामला अभी भी लंबित है। दिल्ली में कांग्रेस चाहती है कि वो सभी सीटों पर लड़े, लेकिन केजरीवाल इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। हालांकि हाल ही में केजरीवाल गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। केजरीवाल ने कहा था, आप इंडिया गठबंधन के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम गठबंधन से अलग नहीं होंगे, हम गठबंधन के धर्म का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।